जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, आज हम शिव जी का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिवजी तपस्वी कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं, सही या गलत? और सिर्फ भगवान तपस्या नहीं करते, शिव जी का, भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है। मगर हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है, हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की, ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं, सही? ये तो कुछ नहीं है, ये तो 3 महीने की तपस्या है, 5-6 घंटे, 8 घंटे लगा लो, थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है, मगर ये तपस्या नहीं है। तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है, अब मेरा सवाल है, हिंदू धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है?
जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती।